नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मंजूरी भी लग सकती है। देखिए, मुहर लगने की बात यहाँ पर कही जा रही है और बेहद ही खास ये कैबिनेट बैठक मानी जा रही है, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिल सकती है, यानी कि चर्चा और चिंतन मंथन के बाद में उन प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे खास प्रस्ताव है जिस पर योगी कैबिनेट में मुहर लग सकती है, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफी खास और अहम हो सकती है। तो देखिए, योगी कैबिनेट की ये काफी खास और अहम बैठक मानी जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है और कैबिनेट बैठक में माना जा रहा है कि बहुत खास होगी। साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर चर्चा के बाद में मुहर भी लगाई जा सकती है। चलिए, इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता उमंग पांडे जुड़ गए। उमंग, योगी कैबिनेट की आज बैठक है, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है? जी अनुपमा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। सदन में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपना वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश करने जा रही है। अभी तक के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा बजट जो है उत्तर प्रदेश सरकार पेश करने जा रही है, और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आज सुबह 9:30 बजे तमाम कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेंगे, जिसमें सीएम योगी जो है वो तमाम प्रस्तावों को लेकर सभी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। बता दें आपको कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के बजट प्रस्ताव समेत 1.5 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी जो है वो दिखाई जा सकती है। इसमें यूपी पर्यटन विभाग की भूमि लीज नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही यूपी नेट की एस्केलेटर 2024 के लिए जो विधेयक है, जिसको विधानसभा में पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव था, इसको भी मंजूरी दी जा सकती है। कुल मिलाकर तमाम जो महत्वपूर्ण आज प्रस्ताव है उन सभी को जो हरी झंडी है वो सदन में मिल सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज 9:30 बजे तमाम मंत्रियों की कैबिनेट बैठक होनी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करीब 11:30 बजे सदन में उत्तर प्रदेश सरकार का 2024 और 25 का जो बजट है वो पेश करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी आज जो है वो हरी झंडी कुल मिलाकर दिखाई जा सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से विकास, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से और बढ़ावा मिले, ताकि देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो ज्यादा ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश पहुंचे, जिससे उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारी जो योजनाएं जो संचालित की जा रही है उनको भी हरी झंडी जो है वो दिखाई जा सकती है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना का उत्तर प्रदेश में व्यापक विस्तार हो सकता है। धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो आज अपना खजाना खोलने जा रही है। गोरखपुर मेट्रो हो गई, लखनऊ मेट्रो हो गई, सेकंड फेज का जो काम मेट्रो को लेकर होना है, ये सभी चीजें जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो आज का वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट आ रहा है उसमें रहेंगे। और इसके साथ ही करीब 1.5 दर्जन जो योजना है इसके लिए सरकार जो है वो अपना खजाना खोलने जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता है जो जनमानस है जिसको काफी उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार से कि इस बार के बजट में क्या होने वाला है, सरकार किसके लिए क्या करने वाली है, क्योंकि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में सभी को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो तमाम अपनी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाएगी और जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, ये खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनिश्चित करेंगे। तो इसी क्रम में तमाम सारी योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं तमाम वो मंथन करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरी कैबिनेट बैठक होनी है। जी बिल्कुल। तो एक और कैबिनेट बैठक, तो वहीं दूसरी ओर आज 11 बजे बजट भी पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल अगर उमंग हम बात करें, लोकसभा चुनाव काफी करीब है और उत्तर प्रदेश पर सभी की नजर है, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में सत्ता का रास्ता दिल्ली का यहीं से होकर गुजरता है। अब ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है ये बजट और उसके साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव पर किस प्रकार से इस बजट का प्रभाव पड़ सकता है? जरूर, बिल्कुल साफ तौर से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे ज्यादा देश में 80 लोकसभा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है। यही वजह है कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में जिसने सबसे ज्यादा सीटें निकाल ली तो दिल्ली में वही सरकार बनाने में सफल होता है। एक ओर इंडिया गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर एनडीए है। अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया था, जिसके बाद माना यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो 5 फरवरी को जो बजट है, यानी कि आज जो बजट आना है, इससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते
ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने अपना जो पिटारा है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए खोला है। और आपको बता दें कि अब तक का जो सबसे बड़ा वार्षिक बजट है वो इस बार उत्तर प्रदेश में साल 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार पेश करने जा रही है, जिसमें करीब 7 लाख करोड़ से अधिक का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। उम्मीदें तो कई सारी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये बजट जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरता है या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कैबिनेट बैठक आज होने वाली है, तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके बाद में 11 बजे वित्त मंत्री यहां पर बजट भी पेश करेंगे। और अब ऐसे में उससे पहले कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और उसके बाद में सदन में इसे पेश करके मुहर भी लगाई जा सकती है।